नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल और आपका स्वागत है राहुल फार्मेसी में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि टीएलसी बढ़ने से क्या होता है, टीएलसी कैसे पता करें कि मुझे टीएलसी से संबंधित दिक्कत है, टीएलसी बढ़ने से क्या होता है, टीएलसी बढ़ने पे कौन कौन सी मेडिसिनें खाना चाहिए, उनके डोज, साइड इफेक्ट और यूजेस। दोस्तों वीडियो को लास्ट देखना, आपको पूरी जानकारी बताएंगे, मेडिसिन बताएंगे, खाने का तरीका बताएंगे आपको। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम बात करते हैं टीएलसी बढ़ने से क्या होता है। ठीक है दोस्तों, टीएलसी बढ़ने पे आप पहले बता दें कि टीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है। टीएलसी का फुल फॉर्म दोस्तों होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है, जो कि हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है। और ये जब हमारे ब्लड के अंदर अधिक बढ़ जाता है तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है पेशेंट को। और इसकी नॉर्मल रेंज 4,000 से 11,000 के आसपास में होती है, लेकिन जब ये बढ़ता है तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है पेशेंट को, जैसे कि तेज बुखार, नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, इस तरह की दिक्कत होती है। कभी कभी पेशेंट को डिप्रेशन भी होता है और काफ़ी तेज बुखार होता है। अगर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरी टीएलसी बढ़ी क्यों है, रीजन क्या होता है टीएलसी बढ़ने का। ठीक है, तो टीएलसी बढ़ने के बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे कि किडनी फेलियर, किडनी में स्टोन होना, फैटी लीवर, लीवर में स्वेलिंग, इस तरह की दिक्कत होती है, तो कभी कभी जो है टीएलसी बढ़ जाती है। ठीक है, ब्लड में इन्फेक्शन होने के कारण ही टीएलसी बढ़ती है। जब भी टीएलसी बढ़ेगी तो आपका ब्लड इन्फेक्शन से ही टीएलसी बढ़ता है। ठीक है, इसके बारे में बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जो कि आप राहुल फार्मेसी पे जाकर के देख सकते हैं, टीएलसी कैसे कम करें, टीएलसी बढ़ने से क्या होता है और टीएलसी कैसे मेंटेन रखें, इनके बारे में मैक्सिमम हमारे पास 10 से 12 वीडियो अपलोड है हमारे चैनल पे, जाके आप जाकर के देख सकते हो। वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। ठीक है, स्किप मत करिएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बीच से ही स्किप कर देते हैं, लेकिन कुछ बेसिक जानकारी होती है जो कि साथ में ही हम लोग बताते हैं अपने चैनल पे, तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि टीएलसी बढ़ने से क्या क्या दिक्कत होती है, तो हमने आपको दिक्कत बता दी टीएलसी बढ़ने से, इस तरह की दिक्कत होती है, इनके लक्षण है टीएलसी बढ़ने के और इनको कैसे कंट्रोल करना। ठीक है, तो इनको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो आपको सीबीसी विडाल टेस्ट करवाना पड़ेगा। सीबीसी विडाल टेस्ट करवाने के बाद में आपको पता चलता है कि टीएलसी की कितनी है। क्षण ने आपको बताया, सबसे पहले आपको टेस्ट करवाना, टेस्ट करवाने के बाद अगर टीएलसी बढ़ी होती है, टीएलसी इंक्रीज है, तो उसकी मेडिसिन है हम बताने जा रहे हैं, आपको नोट कर लेना अच्छे से। सबसे पहले मेडिसिन आपको यूज करना है सेफाकैंड 500 mg की सुबह शाम में। और बहुत ज्यादा बॉडी में पेनकुलर है, बहुत ज्यादा दर्द है शरीर में, तो आपको डोलो 650 TDS में खाना है। ठीक है, सुबह और दोपहर और शाम तीन टाइम आपको डोलो 650 खाना है और सेफाकैंड 500 mg की सुबह शाम खाना है। और अगर न्यूट्रोफिल बड़ा होगा तो आप उसके लिए वैनोसिट फोर्ड खा सकते हैं सुबह शाम में। ठीक है, और एक इंजेक्शन आता है मेरोपेनम 1 ग्राम। टीएलसी अगर 20 से 25,000 के आसपास में है और 20+ टीएलसी है, तो आपको ये सबसे हार्ड ट्रीटमेंट लेना होगा। ठीक है, जिसमें सेफाकैंड 500 mg की है, एजिथ्रोमाइसिन 500 mg की टेबलेट है, जो कि दोपहर में आपको खाना है 5 दिन तक। मेरोपेनम इंजेक्शन आपको 100 ml NS में ड्रिप लगवाना है 5 दिन तक सुबह शाम में, जिससे कि आपकी टीएलसी बहुत जल्दी कम हो जाएगी। तो आई होप यू, क्योंकि उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको नॉलेजबल लगा। अगर ये वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।